हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बोट प्लांट के बारे में। ये है बोट प्लांट, इसको रियो प्लांट भी कहते हैं। ये आपकी बहुत कॉमन प्लांट होती है, बिगिनर्स प्लांट होती है। आप इसको इंडोर में भी रख सकते हो। बास्केट के लिए बहुत ही अच्छी प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा जाती है। इसकी प्रोपोगेशन मेथड भी बहुत ही ईजी है, किसी भी जगह से आप इसको तोड़ के लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ से तोड़ के भी आप लगा सकते हो तो नया प्लांट रेडी हो जाएगा। किसी भी जगह से आपको इसकी कटिंग लाना है और मिट्टी में डाल देना है, या आप वाटर में भी प्रोपगेट कर सकते हो। मिट्टी में इसकी कटिंग मैंने लगाई थी 1 महीने पहले, तो इसकी कटिंग देखिए एकदम अच्छे से लग गया है। इसकी का दो वैरायटी भी होती है, एक वेरीगेटेड वैरायटी होती है और ये एक वैरायटी होती है। इसकी ऊपर की पत्तियाँ होती है इस तरह ग्रीन कलर की और नीचे इस तरह पर्पल कलर की। इसकी प्लांट की कटिंग आप इस तरह पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पानी में ग्रो किया है। इस तरह पानी में डाल दीजिए इस प्लांट की कटिंग, तो ये बहुत ही जल्दी इसकी रूट जो है वो डेवलपमेंट होती है। इस तरह पानी में ये बहुत ही आसानी से ग्रो होती है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता। इस तरह पानी में जस्ट डाल दीजिए तो ये पौधा कुछ दिन के अंदर ही इसकी इस तरह से जड़ आपको दिखाई देगी, तब इसको आप मिट्टी में लगा सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी कटिंग आप इस तरह छोटी छोटी जगह पे लगा सकते हैं, शेल्फ में रख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। छोटी छोटी कंटेनर में इस तरह बॉटल को कट करके भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है। बहुत ही जल्दी लगने वाली पौधा है और बिल्कुल मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाती है। आप जैसे पौधों को पानी देते हो, जब इसकी टॉप सॉइल ड्राई हो जाए तभी इसको पानी दे, और कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दे और कोकोपीट डाल दे। कोकोपीट डाल के आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं इसको। हैंगिंग बास्केट में भी इसका लुक बहुत ही अच्छा आती है, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है इसकी। इसको आप पार्क में ज़्यादातर देख सकते हैं। पार्क में किसी किसी जगह पे जो लाइन रहती है वहाँ पे ये मिलता है पार्क में। कभी कहाँ किसी भी जगह पे आपको अगर मिले तो इसको ले आए। एक से आप कई सारे रियो प्लांट बना सकते हैं इस तरह। ये मेरा बहुत बड़ा हो गया था तो वहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। कुछ दिन पानी में रखने के बाद ही इसकी जो रूट है वो आई है। इस तरह रियो प्लांट आप लगाइए आपके घर पे, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इंडोर प्लांट के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब जब इसकी टॉप सॉइल आपको ड्राई दिखे तभी पानी दें, नहीं तो ये ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिगिनर्स का पौधा है, बिल्कुल मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो रियो प्लांट ज़रूर लगाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।